राज्य कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि भर्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार के द्वारा शीघ्र ही एक सख्त नकल विरोधी कानून लाया जाएगा, जिसमें दोषी को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही इस कार्य में अर्जित की गई संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधु ने बताया कि लोक सेवा आयोग के द्वारा लेखपाल की परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाएगा और जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में इसके लिए आवेदन किया है उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना होगा, ना ही इसके लिए कोई फीस देनी होगी। साथ ही ये भी निर्णय लिया गया है कि कॉरपोरेशन की बसों में अभ्यर्थियों को किराया नहीं देना होगा। अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ही उनका UTC की बसों में टिकट माना जाएगा। यहाँ भर्तियों में जो शिकायतें मिली हैं और जैसे कुछ लोग पकड़े हैं उसके लिए एक देश का सबसे सख्त कानून बनाने का निर्णय लिया गया है, जो अगली कैबिनेट में एक्ट आएगा, जिसमें दोषी को उम्र कैद तक की सजा और जो भी इस धंधे में कोई अपनी प्रॉपर्टी अर्न करेगा उसको सरकार जब्त करेगी। इस दिशा में कानून बना के अगले 2 सप्ताह में कैबिनेट में लाने का निर्णय लिया गया। जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था उनको दोबारा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा और जिन्होंने फीस पहले दी है दोबारा उनको फीस देने की आवश्यकता नहीं है। और उस दिन जो लोग आएंगे उनको बस के जो उत्तराखंड UTC की बसें हैं उसमें किराया भी नहीं देना पड़ेगा, जो एंट्री टिकट है वही उसकी बस की टिकट मानी जाएगी।